सो भाई लोग पूरे फाइनली यार इतने सालों का इंतज़ार और फाइनली आज वो दिन वो एपिसोड आके जा चुका है। 20 साल बाद जब हमारा ऐश बनता था पोकेमोन मास्टर, हम 20 साल से देख रहे, पर आज 2019 में हमारा ऐश बन चुका है अलोला रीजन का पहला चैंपियन और आई गेस उसका ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। सो हेलो पोकेबडीज, कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पोकेवेक्स हिंदी। तो यार आज का वीडियो इंटरेस्टिंग तो नहीं है, सबको पता है मैं थोड़ा सा लेट हूँ डालने के लिए। और दोस्तों हमारा ऐश जो कि है ऐश केचम बन चुका है फाइनली पोकेमोन मास्टर। जी हाँ, तो एक्चुअली मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर ऐश को, अगर पोकेमोन कंपनी हमारे ऐश को अगर जनरेशन 6 में यानी गिलार रीजन में ही जिता देती तो यार सॉरी कैरलॉस रीजन में जिता देती ना यार तो और मज़ा आता। तो मतलब वो उसकी फीलिंग कुछ और आती यार, क्योंकि वो बैटल बहुत इंटेंस था। और दोस्तों कोई बात नहीं अगर अलोला रीजन में जिता दिया, पर भाई लोग आए जीता ना वो बहुत बड़ी बात है। तो यार बहुत ही मज़ा आया मेरे को वो बैटल देखने में। तो यार मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है गाइस। तो बैटल देखने में तो बहुत मज़ा आया क्योंकि यार एकदम कमाल बैटल था यार, पर फिर भी मेरे को बैटल्स में थोड़ी बहुत कमियां ज़रूर मिली। सो मेरे को प्लीज़ अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें क्या लगा ऐश को, यू नो ऐश को अलोला लीग जीतते हुए। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऐश कि वो जीत चुका है बैटल, और इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम्हें क्या थाट्स लगता है। तब तक के लिए बाय बाय।